Assalamualaikum students, today हमने exercise number 1.3 के first 5 parts को solve किया था और आज हम part number 6 को solve करेंगे और उसमें हम discuss करेंगे कि मज़ीद जो इनसे equations हैं उनको कैसे standard form में लाया जा सकता है. तो question number 6 है 2x² + 1 + 3 over 2x² + 1 = 4. ये भी इक्वेशन के एक टाइप है. इसको सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे. तो इसके लिए लेफ्ट 2x² + 1 = y. अब इसकी जगह यहाँ पे आ जाएगा y + 3 over y = 4. अब फ्रैक्शनल फॉर्म है इसका. यहाँ पे एलसीएम लेंगे 1 और y का एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा y. तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी y² + 3 = 4. y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इक्वल के दूसरी साइड जाके मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगा. तो y² + 3 = 4 मल्टीप्लाई बाय y. 4 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4y. अब इक्वेशन को अरेंज कर लें तो यहाँ पे y² + 4y है इक्वल के साइड आके -4y + 3 = 0. अब चाहे तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लें तो चाहे तो यहाँ पे पॉजिटिव फार्मूला अप्लाई कर लें. तो मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन करूँगी. लास्ट कॉन्स्टेंट नंबर को फर्स्ट नंबर के कोफिशियंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 3 1 3 3 और 1 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4. तो -3y - -1y + 3 = 0. अब देखो -3 और 1 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4. अब इन दोनों में से y को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y - 3. नेक्स्ट में से -1 को कॉमन लूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा. जब माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा. तो ये अब ब्रैकेट्स के अंदर दोनों वैल्यू सेम आ रही है तो यहाँ पे आ जाएगा एक बार ब्रैकेट्स के अंदर वाली वैल्यू और एक बार बाहर वाली वैल्यू. अब यहाँ पे इन दोनों पेयर्स को 0 के इक्वल y - 1 = 0. फिर y यहाँ पे ये -3 है इस साइड आके +3. फिर y = ये नेगेटिव है यहाँ पे आके +1 में चेंज हो जाएगा. अब y जो साइड है हमारे पास सपोज वैल्यू है तो y की जगह y की वैल्यू को पुट करेंगे या आ जाएगा 2x² + 1 = 3 और यहाँ पर भी आ जाएगा 2x² + 1 = 1. ये कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट के पास जाके ये प्लस वन है यहाँ पे आके चेंज हो जाएगा -1 में. तो 2x² = 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2x² के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है. यहाँ पे दोनों साइड पे डिवाइड कर लेंगे तो यह आ जाएगा x² = 1. अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो यहाँ पे आ जाएगा √x² = √1. √² से काट देगा x = जब √ से काट होता है तो इक्वल के दूसरी साइड प्लस माइनस आ जाएगा. तो यहाँ पे आ जाएगा 2x² = ये 1 ये प्लस है इक्वल के साइड आके -1. फिर आ जाएगा 2x² = ± दोनों कैंसिल होते 0. x² के साथ 2 मल्टीप्लाई दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा तो यह आ जाएगा 0. फिर आ जाएगा x² = 0. फिर आ जाएगा टेकिंग √x² = √0. √ से x = 0. तो सॉल्यूशन सेट इसका एक है +-1 और एक आ जाएगा 0. फिर इसके बाद आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 है 4x + 1 / 4x - 1. फिर यहाँ पे प्लस का साइन एंड 4x - 1 / 4x + 1 = 2 1/6. तो यहाँ पे लेट क्या ले लेंगे 4x + 1
अगर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू y के, ठीक है, यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा y और दूसरी साइड पे माइनस ऊपर और पॉजिटिव नीचे, अगर मैं इस साइड पे इक्वल के इस साइड पे रेसिप्रोकल ले लूंगी तो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड पे भी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 4x प्लस 1 जो कि y ओवर 1 था तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 1 ओवर y में, तो जहाँ पे 4x प्लस 1 अगर 4x माइनस 1 आ रहा है तो वहां पे y जस्ट पुट करेंगे और जहाँ पे 4x माइनस 1 अगर 4x प्लस 1 वहां पे आ जाएगा 1 ओवर y। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y प्लस 1 ओवर y, इसको सॉल्व करेंगे मिक्स फ्रिक्शन को तो 2 6 12 12 में 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 13 ओवर 6। अब इस कैल्शियम 1 और 1 और y कैल्शियम लेंगे ये आ जाएगा y, एलसीएम लेने के ऊपर आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 13 ओवर 6। अभी दोनों वैल्यूज आपस में सॉल्व नहीं हो रही तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू वाई स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय वाई, यह आ जाएगा 6 वाई स्क्वेयर प्लस 6 वन का 6 इज इक्वल टू 13 वाई। अब यहाँ पे आ जाएगा अरेंज कर ले वाई स्क्वेयर ये प्लस है, यहाँ पे आपके माइनस 13 वाई और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब 6 6 का 36 तो ये किस टेबल से आ जाएगा 9 4 का 36 9 और 4 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 13 6 वाई स्क्वायर माइनस पहले 9 बड़ी वैल्यू लिखेंगे फिर माइनस प्लस माइनस 4 वाई फिर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 3 वाई कॉमन, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 वाई माइनस 3 और इसमें से माइनस 2 को कॉमन लेंगे तो 2 वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो फिर आ जाएगा 2 वाई माइनस 3 ये दोनों एक बार आ जाएगा और यहाँ पे 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों पेयर्स को 0 के इक्वल करेंगे 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आ जाएगा 2y इज इक्वल टू ये माइनस है यहाँ पे आके प्लस 3 y इज इक्वल टू 3 ओवर 2 इसी तरह 3y ये माइनस 2 है यहाँ पे आके पॉजिटिव 2 और y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 ओवर 3। तो y जो सी वैल्यू थी हमारे पास सपोज वैल्यू थी बेसिकली क्वेश्चन आपके पास y की जगह क्या है 4x प्लस 1 और 4x माइनस 1 ये y की जगह y की वैल्यू पुट किया और यहाँ पे 3 ओवर 2 और दूसरी साइड पे भी 4x प्लस 1 और 4x माइनस 1 यहाँ पे 2 ओवर 3 था तो एक सौ की साइड पे आ जाएगा 2 ओवर 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 इंटू 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 4x माइनस 1 क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यू से साफ मल्टीप्लाई करेंगे 4 टू 4 जार 8x प्लस 2 1 जार 2 इज इक्वल टू 3 4 जार 12x माइनस 3 1 जार 3 तो यहाँ पे आ जाएगा 8x माइनस 12x इज इक्वल टू माइनस 3 यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 इन दोनों को सॉल्व करेंगे माइनस 4x आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5 माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा एक्स के साथ फोर मल्टीप्लाई होगा दूसरी साइड जाके ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा एक आंसर आपके पास इसका आ गया ये। दूसरी साइड पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 4x माइनस 1 आ जाएगा 3 को दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x प्लस 3 1 जा 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जा 8x माइनस 2 1 जा 2। अब x की वैल्यूज एक साइड पे कर लेंगे और कॉन्स्टेंट एक साइड पे ये प्लस 3 है साइड आके माइनस 3 में चेंज हो जाएगा इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 4x और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस 5 x के साथ 4 मल्टीप्लाई तो दूसरी साइड जाके ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा तो सॉल्यूशन सेट इसका 5 ओवर 4 और एक आ रहा माइनस 5 ओवर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में हम इक्वेशन की एक और टाइप को रीड करेंगे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। माइनस टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू और प्लस वन
इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन एक वेट आ रहा है, इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए डिवाइडिंग एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, फिर यहाँ पे आ जाएगा एक्स फोर अवर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स क्यूब अवर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर अवर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स अवर एक्स स्क्वायर प्लस वन अवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो अवर एक्स स्क्वायर। इनकी कैंसिलेशन करेंगे तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर फिर माइनस टू एक्स, इसको भी कैंसिल करेंगे यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू, यहाँ पे आ जाएगा प्लस टू अवर एक्स और यहाँ पे आ जाएगा प्लस वन अवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। आप एक्स स्क्वायर की टर्म्स को एक साइड पे कर लेंगे, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अवर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू अवर एक्स और यहाँ पे फिर आ जाएगा ये बच के आ गया माइनस टू इज इक्वल टू जीरो कॉन्स्टेंट फॉर्म। अब यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर, इसमें से माइनस टू कॉमन ले लूंगी, अंदर आ जाएगा एक्स माइनस वन ओवर एक्स और माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। आप इसमें से लाइक क्या लेंगे, इसमें से लाइक आ जाएगा एक्स माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई। आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिखा दो, यहाँ पे आ जाएगा टेकिंग होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे एक्स माइनस वन अवर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई होल स्क्वायर। फार्मूला अप्लाई करेंगे वी नो दैट कि ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर एज इट इज, इसको भी सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स वन अवर एक्स और प्लस वन अवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अवर एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये माइनस है यहाँ पे आके पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा तो वाई स्क्वायर प्लस टू। आप जहाँ पे एक्स माइनस वन अवर एक्स आ रहा है वहां पे वाई, और जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन अवर एक्स स्क्वायर आ रहा है तो वहां पे वाई स्क्वायर प्लस टू पुट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर प्लस टू फिर माइनस टू इंटू वाई और यहाँ पे माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो y स्क्वायर प्लस टू माइनस टू वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब इसको अरेंज कर लें y स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, प्लस माइनस आपस में सॉल्व हो जाएंगे तो जीरो y स्क्वायर माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, y कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब दोनों पेयर्स को किसके इक्वल कर लेंगे, जीरो के इक्वल, तो यहाँ पे एक का आंसर आपके पास आ गया इसका जीरो, यहाँ पे माइनस टू था ये जाके चेंज हो जाएगा प्लस टू। अब वाई जो आंसर था, वाई हमारे पास एक सपोज्ड वैल्यू है, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक है एक्स माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू टू, इसे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने पे एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स यहाँ पे डिवाइड यहाँ पे आके मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इसके बाद वहां पे वो माइनस वन साइड पे भी दूसरी साइड जाते हो प्लस वन में चेंज हो जाएगा स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ जगह स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वन, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन एक आंसर आपका ये, और दूसरी साइड पे उसी तरह सेम एलसीएम लेंगे तो यहाँ जाएगा एक्स और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टू, एक्स यहाँ पे डिवाइड दूसरी साइड जाके मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टू और एक्स। अब इसको अरेंज कर लें, अरेंज करने पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब इसके ऊपर बेसिक क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें या फिर फैक्टराइजेशन कर लें, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करूंगी तो ए इज इक्वल टू वन है, बी इज इक्वल टू माइनस टू है और सी इज इक्वल टू माइनस वन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फार्मूला है हमारे पास एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाय टू ए, तो x इज इक्वल टू b की वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस टू प्लस माइनस माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर ए इज इक्वल टू वन एंड c इज इक्वल टू माइनस वन डिवाइड बाय टू, ए की जगह आ जाएगा वन,
फिर x is equal to 2 plus minus 2 to 4 और यहाँ पे minus minus plus 4 2 आ जाएगा 4 divided by 2 बन जा 2 फिर x is equal to 2 plus minus यहाँ पे आ जाएगा 8 divided by 2 फिर उसके बाद x is equal to 8 का स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2 इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा 2 2 बचेगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2 2 2 से कैंसिल तो x is equal to 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 इसके बाद यहां पे इसका सॉल्यूशन सेट लास्ट में प्लस माइनस 1 और एक आपके पास है 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 आंसर स्टूडेंट्स आज तक की आज का लेक्चर यही था नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व करने हैं और इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है।